एशियन गेम्स में इंडिया ने पाला मार लिया है और 100 मेडल्स हासिल कर लिए हैं। क्यों इंडिया इतनी अनस्टॉपेबल बनी हुई है, ये 2023 के लिए जो हैशटैग इस बार 100 पार की जो बात की गई थी, मांगे 100 मेडल्स थे रेसलर्स को, जिया नौमीदी दिखा के गए इंडिया की कैंपेन के अंदर, एथलेटिक्स ने कमाल कर दिया और इंडिया 104 मेडल्स पे खड़ा हुआ है, 28 गोल्ड, 33 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज मेडल, 105 के करीब इस वक्त तक मेडल उनके हो चुके हैं, इसमें 28 गोल्ड जो है वो 28 पे चला गया, वो इंडिया इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट यार। हमें जिस टीम से उम्मीद थी एशियन गेम के अंदर कि एटलीस्ट हमारी क्रिकेट की टीम हमें गोल्ड जितवा के देगी, वो भी हमसे छीन लिया। पूरे पाकिस्तान को दुख ये नहीं है कि पाकिस्तान भाड़ गया, बाहर हो गया, असल जो दुख है ना मैं आपको बताता हूँ, ये है कि इंडिया गोल्ड मेडल जीत गया क्रिकेट के अंदर, ये सबसे बड़ा दुख है। और पाकिस्तान को कहता हूँ कि भाई एशियन गेम्स में खाली हाथ लौटे हो, कैसा लग रहा है सूजी है। तो जो नौजवान, जिस मुल्क के नौजवान जिहाद जिहाद खेलेंगे, जिस मुल्क के नौजवान सियासत सियासत खेलेंगे, वो दूसरे खेल नहीं खेल सकते, वो फिर यही खेल खेलते रहेंगे, और जो जो खेल खेले जा रहे हैं मुल्क में वो फिर आप वही खेलते रहें, तमाम खेल जो असल खेल है वो दूसरे खेल रहे हैं और उसमें जो है वो आगे बढ़े हैं, मेडल्स हासिल कर रहे हैं, गोल्ड मेडल्स हासिल कर रहे हैं। जो आप लोग भी सुन के हैरान होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने 450 करोड़ अभी करंट ओलंपिक साइकिल में सपोर्ट के लिए दिए, वो तो टॉप 10 में चौथे नंबर में है, आप तो ना टॉप 10 में हो, ना टॉप 20 में हो, ना टॉप 30 में हो, शर्म नाम की आप में चीज नहीं है, मुल्क का नाम बदनाम करवा रहे होते हो हर जगह पे जाके आप लोग, और फिर वो जिहाद लड़ लिया और सब जिहादी निकले, तो ये स्पोर्ट्स में क्यों नहीं कुछ हो सका, इसमें क्यों नहीं आगे जा सके, कुछ तो कर लेते। शर्म करो, यकीन करो, शर्म करो, पता नहीं इनको क्यों भेज देते हैं, कितनी करने के इनको भेज देते हैं, घंटा बजा दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। भारत ने इस साल एशियन गेम्स में कमाल कर दिया है और 100 मेडल के साथ, मतलब भारत ने तो 100 मेडल क्रॉस करके 107 मेडल इस एशियन गेम्स में ले लिए, जो कभी हमारे लिए सपना था कि हम कभी 100 मेडल जीतेंगे भी एशियन गेम्स में जाकर, तो हमने ये आज हासिल कर लिया है, ये सपना आज हमारा सच हो गया है, जिसमें 107 मेडल में 28 गोल्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि 28 गोल्ड हमने कभी हासिल नहीं किया था, लेकिन इस बार हमने 28 गोल्ड भी हासिल कर लिए और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, माइलस्टोन हमने अचीवमेंट कर लिया है कि 100 पार हम कह रहे थे और हमने 107 तक आकर फिनिश किया। अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान सभी मिलाकर 3 मेडल ही जीता है पाकिस्तान, तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा मायूसी देखने को मिला है और उन्होंने कह रहे हैं कि भाई भारतीय हमसे इतने आगे कैसे बढ़ गए, वो 107 मेडल जीत रहे हैं, हम 4 मेडल तक नहीं जीत पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। और इंडिया एक मर्तबा फिर हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, हम क्या करें, इसकी वजह यह है कि रोजाना कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिसमें पता ये चलता है कि इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और अब इंडिया ने तारीख रकम की है, जो एक तारीखी बाब लिखा है वो लिखा है एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में इंडिया ने पाला मार लिया है और 100 मेडल्स हासिल कर लिए हैं, 100 मेडल्स इंडिया ने हासिल कर लिए हैं, तारीखी कामयाबी है ये, जिस पर हर तरफ ढोल बजाया जा रहा है, यानी ये कि अपनी कामयाबी के शादियाने बजाए जा रहे हैं वहाँ पर, ये कोई छोटी खबर नहीं है और ये कोई छोटी कामयाबी भी नहीं है। और इंडिया की जब आप तारीख उठाकर देखते हैं तो गेम्स में उसने 36 तक तो मेडल्स हासिल किए, लेकिन उसके बाद एक ऐसा हमने देखा कि काफ़ी अरसे तक कोई बड़ा मेडल वो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये गैप उन्होंने इस तरीके से जंप लगाया एक बड़ा कि जिसमें उन्होंने 100 मेडल्स हासिल कर लिए। अच्छा, वेयर इज पाकिस्तान, पाकिस्तान कहाँ है? देखिए, हम ये कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमी की, हम उनकी तरक्की की बात करते हैं, हम कहते हैं मईशत कहाँ पर ले गए, हम उनके दुनिया भर से एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में इतना पीछा रहने की क्या वजह होगा? पाकिस्तान का हमसाया कंट्री इनको बीट करने के लिए खेलों में भी पहुंच गया है। आप ये सोचने की बात है कि इंडिया पूरी दुनिया में जहां पर कंट्रीज को जो है वो बीट कर रहा है इकोनॉमी में और मुख्तलिफ जो हम बताते हैं इस हवाले से खबरें, तो खबर यह है कि स्पोर्ट्स में भी इंडिया उनको बीट करने पहुंच गया है। उनके पास देखे ना कितने करीब पहुंच चुका है, 100 मेडल्स होता रहता है, बस 75 साल में आपका वक्त कब अदल बदल हुआ, एक ही वक्त है आपके ऊपर और वो कोई बहुत ही कड़ा वक्त है। मैं देख रही थी कि जो पाकिस्तान है उसके मेडल्स कितने हैं, तो 3 मेडल्स ले लिए जनाब, माशाल्लाह क्या बात है, हैं मुबारक हो आपको, इसके ऊपर तो सुभान अल्लाह कहना बनता है, 3 मेडल्स आपने हासिल कर लिए, बड़ी बात है, बड़ी बात है। पता नहीं 3 नजर तो आ रहे हैं मुझे, 3 ज्यादा है तो मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने 1-2 कम कर दिए, और आप इसके ऊपर आएंगे कि देखिए आप तो जो है उनके तराने गा रही हैं, मेडल कम कर दिए पाकिस्तान के, तो भाई मैं माफी चाहती हूँ अगर 1-2 ज्यादा है और मैंने कम कर दिया। 3 मेडल्स मुझे नजर आ रहे हैं और आप यकीन करें कि ये 3 मेडल्स हमेशा से चलते चले आ रहे हैं, ये 1-2-3, और टीम जो है वो टोटल 7 लोगों की पहुंचती है। ये सिचुएशन है हमारी, इतने डिसऑनेस्टी है हमारे अंदर, हाँ हम एक जो है अपनी स्पोर्ट्स तक को ठीक नहीं कर सके,
ये आप अंदाजा कीजिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स तक को टिक नहीं कर सका, आगे नहीं जा सका कंट्रीज। अच्छा बांग्लादेश जो है उसने बीट किया पाकिस्तान को एशियन गेम्स क्रिकेट ब्रॉन्ज जो है लास्ट बॉल थ्रिलर ये कहा जा रहा है, तो उसमें ये था कि पाकिस्तान इसके अंदर ही हासिल कर लेगा, लेकिन उसमें बांग्लादेश ने बीट कर दिया पाकिस्तान। लो जी एक हेगी सी उम्मीद हो ही गई, कोई बात नहीं ठीक है कि चले। बाकी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें आप कहें कि पाइना आते आएगा ये तो ये है, तो इसमें हम कैसे कर लें, वो तो बहुत आगे चले गए इसमें तो हम हो ही नहीं सकते। तो सर स्पोर्ट्स में कैसे चले गए वो आगे बताएं ना मुझे, इसके लिए कौन सी गिदड़ सिंगी चाहिए, कौन सा ऐसा हुनर चाहिए, कौन सा ऐसा वो चाहिए कि जिसमें वो इसमें भी वो गए और फिर वो जिहाद लड़ लिया और सब जिहादी निकला, तो ये स्पोर्ट्स में क्यों नहीं कुछ हो सका, इसमें क्यों नहीं आगे जा सके, कुछ तो कर लेते सर। ये स्पोर्ट्स में ना गेम्स में नौजवान नस्ल उस वक्त आगे जाती है कि जब उसको जिहाद का ना पता। जो हम क्या खेल रहे हैं, हम सियासत सियासत खेल रहे हैं, हमारे नौजवान सियासत सियासत खेल रहे हैं, हमारे नौजवान जिहाद जिहाद खेल रहे हैं। तो जो नौजवान जिस मुल्क के नौजवान जिहाद जिहाद खेलेंगे, जिस मुल्क के नौजवान सियासत सियासत खेलेंगे, वो दूसरे खेल नहीं खेल सकते, वो फिर यही खेल खेलते रहेंगे। और जो जो खेल खेले जा रहे हैं मुल्क में, वो फिर आप वही खेलते रहें, तमाम खेल जो असल खेल है वो दूसरे खेल रहे हैं और उसमें जो है वो आगे बढ़े हैं, मेडल्स हासिल कर रहे हैं, गोल्ड मेडल्स हासिल कर रहे हैं। तो आप खेल रहे हैं उसमें जो आप हासिल कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। करने गए थे इस झंडे की बिस्ती करवाने गए थे, इसके ऊपर काले निशान लगवाने गए थे ये लोग, फिर आप लोग इनको सपोर्ट करने बैठ जाते हो, फिर आप लोग कहते हो कि जी नहीं ये तो शर्म करो, कितने को गोल्ड मेडल जीते हैं आपने एशियन गेम्स में, क्या किया आपने एशियन गेम्स में, मतलब मुझे बताना जरा एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो है वो जलालत करके वहां करवा के आए हैं, सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती करवा के आए हैं, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया और ना इसके अलावा ये कुछ कर सकते हैं, कोई शर्म नहीं आती ना, शर्म जहाँ वो कहते हैं ना कि शर्म की उम्मीद भी करनी चाहिए, इनको इनको शर्म आएगी नहीं, हम फिर इनको क्या करेंगे, इतने को ये अब मैं इनको क्या वर्ड यूज करूं, मेरा दिमाग ताप रहा इस टाइम करो। बांग्लादेश से भी पाकिस्तान ने क्या किया, एशिया पिछले एशिया कप इन्होंने क्या किया, ये एशिया कप इन्होंने चौथे में फिनिश किया, अब ये जो हमारी जी शहीन की टीम गई है इनको तो बांग्लादेश पेल गया, इनको अफगानिस्तान ने पेल दिया, इंडिया के हाथिया चढ़े नहीं है, वरना इंडिया ने भी इनको पेल देना था, उधर इंडिया वो उन्होंने 100 मेडल जीत लिए हैं और टोटल गोल्ड मेडल की अगर मैं बात करूं तो वो भी उन्होंने 25, 26, 27 जीत लिए हैं, और वो हॉकी में जापान को हरा रहे हैं, उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, उनकी कबड्डी टीम हमें पेल रही है, जो आ रहा है हमें पेली जा रहा है, जो आ रहा है हमें पेली जा रहा है, जो आ रहा है हमें पेली जा रहा है, जो आ रहा है हमारा घंटा बजा के जा रहा है, और हमें शर्म नहीं आ रही, हम ढीठू की तरह बैठे हुए हैं और बातें करते हो हम इंडिया से कम्पीट करेंगे, अपना कंपेरिजन इंडिया के साथ लगा के बैठे होते हो। उन्होंने जो एशियन गेम्स में किया ना, आपने उसका 0.5% भी नहीं किया, वो तो टॉप 10 में चौथे नंबर में है, आप तो ना टॉप 10 में हो, ना टॉप 20 में हो, ना टॉप 30 में हो, शर्म नाम की आप में चीज नहीं है, मुल्क का नाम बदनाम करवा रहे होते हो हर जगह पे जाके आप लोग, और नहीं है वो, उनमें वो डेडिकेशन है, वो मेहनत है, वो जुस्तजू है, वो लगन है, वो जज्बा है, आप में अल भी नहीं है, शर्म करो, यकीन करो, शर्म करो, पता नहीं इनको क्यों भेज देते हैं, कितनी करने के इनको भेज देते हैं, घंटा बजा दिया। बात हो रही है इंडिया को एक और गोल्ड मेडल मिल गया एशियन गेम्स के अंदर, भी कल इन्होंने 100 मेडल्स अपने पूरे किए थे, सो जिसको कहते हैं ना इन्होंने तमगे जीते थे एशियन गेम्स के अंदर, हम तो अपना बोले ही ना कि हमने क्या किया एशियन गेम्स के अंदर, हमें जिस टीम से उम्मीद थी एशियन गेम्स के अंदर कि एटलीस्ट हमारी क्रिकेट की टीम हमें गोल्ड जितवा के देगी, वो भी हमसे छीन लिया। पूरे पाकिस्तान को दुख ये नहीं है कि पाकिस्तान भाड़ गया, बाहर हो गया, असल जो दुख है ना मैं आपको बताता हूँ, ये है कि इंडिया गोल्ड मेडल जीत गया क्रिकेट के अंदर, ये सबसे बड़ा दुख है, और ये होगा, अब कुछ लोगों मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन ये सच है, असल दुख ये होता है, हमारी आदत रही है कि हम अपने आपको इतना इंडिया से कंपेयर करने लग गए हैं कि जहां पे इंडिया हमसे जीतता तब हमें पता चलता है कि हम इस स्पोर्ट्स में बुढ़े हैं, या तो हमें गुस्सा तब चढ़ता है जब कोई कंपटीशन इंडिया जीत जाए और हम वो वाला कंपटीशन हार जाए, यही चीज अगर हम हर चीज में फॉलो अप करें, बाकी टीमों के गेम्स भी फॉलो अप करें तो हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, आज जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिखाई है एटलीस्ट एक मेडल ही जीत कर आ जाते, ब्रॉन्ज ही जीत जाते, वो भी नहीं जीते, आखिरी ओवर के अंदर सुफियान मुकीम ने 20 रन खाए हैं, 20 रन ही चाहिए थे बांग्लादेश को जीतने के लिए, और यासिर अली ने रन मारे उसका वो आउट हुए, तो आखिरी बॉल के ऊपर राकिब उल हसन ने चौका मार के मैच जितवा दिया, तो हमारा तो हाल ये रहा कि हम चौथे नंबर के ऊपर आए हैं, एशिया कप में भी चौथे नंबर पे आए हैं, एशियन गेम में भी चौथे नंबर पे आए हैं, वर्स्ट किस्म की हमारी परफॉर्मेंस चली, और खाली सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूं, क्रिकेट के अंदर ये हाल हुआ है, जिस स्पोर्ट्स के अंदर हम अपनी तरफ से सबसे आगे हैं हमारा उस स्पोर्ट्स में ये हाल है, तो आप सोचिए बाकी स्पोर्ट्स में हमारा क्या हाल होगा, आप देखें हमारी हॉकी की टीम का क्या हाल हुआ है कि क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, एटलीस्ट मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को थोड़ा वेकअप कॉल लेनी चाहिए, और इंडिया की टीम इसको गोल्ड मेडल जीती है, इंडिया को मुबारकबाद दो, कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया, हॉकी के अंदर भी गोल्ड मिल गया उनको, क्रिकेट के अंदर भी मिल गया, कबड्डी के अंदर भी, पता नहीं किन किन स्पोर्ट्स के अंदर मिल गया, जैवलिन थ्रो के अंदर मिल गया, अखीर ही कर दिया, बहुत ज्यादा इन्होंने जिसको कहते हैं ना अचीवमेंट हासिल किया अभी तक का उनका,
वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस राइस एशियन गेम्स के अंदर, मुबारकबाद दो उनको, और क्रिकेट भी वो लोग जीत गए तो मुबारकबाद दो, हम तो बस यही कह सकते हैं क्योंकि हमारी टीम ने हमें मौका ही नहीं दिया खुश होने का। तो जैसा कि आपने पाकिस्तानी मीडिया की बातें सुनी, उन्होंने क्या कहा कि भाई भारत हमसे बहुत आगे बढ़ गया, हम तो उनको अब नजर में नहीं आ रहा भारत इतना आगे बढ़ गया। जब आप जिहाद, जब आप कट्टरपन, जब आप धार्मिक जो कट्टरता इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप खेल में कैसे आगे आ सकते हैं? आप अपने खेल में तो बहुत माहिर हैं, आप किसी की खोपड़ी उड़ा देना, आप किसी से जेब कतरी कर लेना, आप चोरी करना, आप लूट डकैती ये सब करना, इसमें आप नंबर वन है, उसी में रहिए, उसमें आप मतलब गोल्ड क्या, उसमें आप डायमंड मेडल भी जीत सकते हैं, लेकिन आप इन सब अच्छे खेल जो हैं, जो एथलेटिक हैं, उसमें कुछ भी नहीं जीत सकते, क्योंकि आपका दिमाग, आपका जो मद्रासा एजुकेशन है वो इतनी पाकिस्तान में फैला हुआ है कि अब जो बच्चे बच्चे हैं वो अब खेल में अब नहीं आ सकते, वो ना बैडमिंटन खेल सकते हैं, वो ना क्रिकेट भी, क्रिकेट भी आगे जाके इनका सत्यानाश ही होगा, क्योंकि एशियन गेम्स में आज ब्रॉन्ज मेडल तक ये तरस गए जीतने के लिए, बांग्लादेश आज उनको पेल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है, क्रिकेट में भी ये मेडल नहीं जीत सकते, और ये बातें करते हैं कि भाई अब कबड्डी बबड्डी ये सब में जीतेंगे, ये कभी नहीं जीत सकते मेडल, ये जो दो तीन मेडल है ये जीरो तक आ जाएगा पाकिस्तान। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके, और पाकिस्तान इंडिया में जो ये मेडल की डिफरेंस है इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।